आप आ जाओ मेरे साथ भैया, रोक ना, आ जाओ भैया, भैया भैया रोक लो, इसे आना है। सो ये हमारा वैसे फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे आए हैं और अच्छा लग रहा है। एंट्री करते हैं, बताते हैं आपको क्या क्या अंदर है। और यहाँ पे आपको टिकट बाहर से लेना होगा, हमने टिकट ले लिए हैं, 400 पर पर्सन की टिकट है। और खाना वगैरह आपको अवॉइड करना है क्योंकि खाना अंदर अलाउड नहीं होता है। और चलिए कैसा हमारा सफ़र है और सब कुछ, आइए चलते हैं। तो आ गए हम एडवेंचर आइलैंड, बहुत सारी राइडें लेनी है और बहुत ज्यादा एंजॉय करना है। ये पहली राइड लेने आए हैं हम, साइक्लोन नाम है इसका। आजो भाई, बहुत ऊपर है। ओए ओए मम्मी, फुल सेफ्टी का ध्यान रखा है। ये देखिए लॉक लगा रखा है, ये हैंडल है, तो सेफ्टी का काफी ध्यान रखा गया है। साइक्लोन नाम है वैसे इस राइड का, मतलब मजा आ रहा है। ये यार ये कुछ ज्यादा ही ऊपर नहीं है भाई। फर्स्ट राइड में मजा आ गया, अगली राइड में कुछ ज्यादा मजा आएगा। चलो सो इस राइड का नाम मोजर राइड है, लेकिन ये बंद है अभी, तो देखते हैं कब ओपन होती है। तो जब भी ओपन होगी वी आर श्योरली इन्फॉर्म यू। चलिए आ जाइए, फिर नेक्स्ट चलते हैं, दूसरी राइड चेक करते हैं। तो हम नेक्स्ट राइड की साइड चलते हैं, देखते हैं अगली राइड कौन सी होती है, ठीक है, फिर हम आपको बताते हैं वहाँ पे कौन सी राइड है, क्या है खास। सो इस राइड का नाम है लाइटिंग बोल्ट। मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है बट मजा आ रहा है। अभी स्टार्ट नहीं हुई, कम से कम 8-10 लोग होने चाहिए स्टार्ट होने के लिए। सेफ्टी काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है सेफ्टी का, मतलब मैं दिख नहीं रही कहाँ गई, मतलब ये ऐसे गोल गोल घूमती है। बीपी, हाइपरटेंशन, हार्ट वाले पेशेंट ना जाएं तो बेस्ट है, बाकी आप सब इंजॉय कर सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ ना जाएं यहाँ पे, बाकी आप आइए ट्राई करिए, काफ़ी मज़ा आता है इस राइड में। तो ये मतलब स्काई राइडर है, ये ऐसे गोल गोल घूमते हैं, मुझे थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा खतरनाक सा लग रहा है ये, मतलब मुझे डर लग रहा है बहुत ज्यादा। भाई मजा बहुत है, बहुत मजा आ रहा है, ऐसा आराम सा मिल रहा है, सुकून सा। व्लॉग बनाओ, राइड लेने जा रहे हैं स्प्लैश राइड, देखते हैं इसका हमारी जर्नी कैसी होगी। जस्ट किडिंग, देखते हैं क्या मतलब कैसा लगता है सब बैठ के, वैसे मजा ही आने वाला है ऑफ कोर्स। आप आ जाओ मेरे साथ भैया, रोक ना, आ जाओ भैया, भैया भैया रोक लो, इसे आना है। तो ये हमारी नेक्स्ट राइड है एयर पोवो। यस,
मरी मरी भैया। ओए ये ओए होए मस्त है ये राइड तो। उत्तरी तो ये है टाइनी टीवी ट्रेन, वो भी बिना ड्राइवर के। काफ़ी अच्छी है, आप अगर थक गए हैं तो आप इसमें बैठ के राइड ले सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी जगह कवर करती है और आप काफ़ी तरीके की राइड्स उसमें बैठ के देख सकते हैं। काफ़ी इंजॉयबल है, बहुत अच्छी है, आप आइए और राइड लीजिए। सो इस राइड का नाम जोल्टर राइड है। इसमें 90 सेंटीमीटर तक के बच्चे नहीं बैठ सकते, इनसे अबव बैठ सकते हैं। गीले कपड़े, खुले बाल लेके नहीं बैठ सकते, जिनको बीपी, हाइपरटेंशन या फिर हार्ट की बीमारी है वो लोग यहाँ पे नहीं बैठ सकते। बाकी कोई भी बैठ सकता है, बट अगर आप उसे को पकड़ के नहीं रखेंगे तो आपको कहीं पर भी छोड़ सकते हैं। कोशिश करिए जब ज़्यादा लोग हों तब बैठें। ये किड बम्पर कार है जिसमें 4 साल से 12 साल के बच्चे ही अलाउड हैं। इसमें गीले कपड़े पहन के या आप कार में से उतर नहीं सकते, मैक्सिमम एक बंदा होना चाहिए। जो 4 साल से कम के बच्चे हैं उनके पेरेंट्स होने चाहिए उनके साथ, और मैक्सिमम हाइट 5 फीट। इस वाली जो राइड है उसका नाम साइड विंडर है। आओ हम ट्राई करते हैं कैसी है राइड। वैसे काफी डरावनी लग रही है, चलो ट्राई करके देखते हैं। आ जाओ सो इस राइड का नाम है स्प्लैश डाउन। आप इसमें पूरे गीले हो जाएंगे। ये काफ़ी लंबी है और काफ़ी ऊंची है, मतलब देख के डर लग रहा है। आप देख सकते हैं ये दो लोग बैठे हुए हैं, खतरनाक, मतलब पूरे गीले हो गए हैं ये। ये काफ़ी लंबी राइड है, ये यहाँ से डन लेके बाय 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 बाय।
देख 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 सही ना कार राइड है ये हम 4 times ले रहे हैं ये वाली राइड और मजा आ रहा है श्री बाहर कर रहे हैं हम ये वाली राइड बहुत बहुत मजा आ रहा है ये फ्लिप आउट राइड है बेसिकली ये अभी बंद है अंडर मेंटेनेंस है तो ये जब चालू हो जाएगी तो हम आते हैं ये राइड लेने होप सो बाकी राइड की तरह ये भी बहुत मस्त और एनर्जेटिक ये जो राइड है ये रॉकर है मजा आ रहा है ये गोल गोल और मजा आ रहा है यार सही में सो इस राइड का नाम फायर ब्रिगेड है मतलब देख रहा कितनी मस्त लग रही है मतलब बैठने में इतना मजा आएगा आज तो चलते हैं अंदर राइड लेते हैं आज मतलब ये अलग ही टाइप की फायर ब्रिगेड मशीन है वाओ और इस मतलब मौसम की बात अलग है मतलब मजा आ रहा है एक तो एडवेंचर आइलैंड में आए थे लास्ट टाइम जब हम आए थे तो यहाँ पे बारिश की वजह से हम अंदर नहीं आ पाए थे आज भी मौसम वैसा ही हो रहा है बट हमने आधी राइड ले ली है बाकी राइड रहती है देते हैं फिर बाकी राइड भी तो क्या वाओ आपने ऐसी टाइप की फायर ब्रिगेड नहीं देखी होगी सही में वैसे तो ये बच्चों के लिए है हाँ बट बड़े भी चल सकते हैं थोड़ा सा डर लगता है इसमें चलने में बच्चे तो एक साइड से चल सकते हैं हमें दोनों साइड से पकड़ना पड़ता है सो यहाँ पे आपको 90 मूवीज आप देख सकते हैं आप यहाँ पे 10 seconds का डेमो ले सकते हैं उसके बाद आप जो भी चूज़ करना चाहें वो आप देख सकते हैं जंगल एडवेंचर ये जो भी आप चाहें काफ़ी टाइप्स के शो हैं आप आके यहाँ पे एक बार ट्राई कर सकते हैं तो हम 10 seconds का डेमो लेने आए हैं यहाँ पे देखते हैं क्या होता है विजुअल आइलैंड ठीक है मैम आप हमें 10 seconds का डेमो दी सो अभी हम यहाँ पे जा नहीं रहे हैं होप सो आप हमें भेजेंगे आप हमें बहुत सारा प्यार देंगे ठीक है तो अगर आपने हमारी वीडियो को खूब लाइक खूब सब्सक्राइब किया और बहुत सारे कमेंट किए तो वी आर श्योर कि हम नेक्स्ट वीडियो टेम्पोलिन पार्क की बनाएं हो सकता है यहाँ की नहीं हम नेक्स्ट बनाएं कहीं और की गुड़गांव की नोएडा की श्योर बनाएंगे बट उसके लिए हमें आपकी लाइक सब्सक्राइब और कमेंट की बहुत ज़रूरत है थैंक यू आई लव यू ऑल ये एक्वा पॉम्प है यहाँ पे 120 मीटर से जो सेंटीमीटर के बच्चे हैं वो अलाउड नहीं है इसके अंदर मतलब बड़े लोग ही अलाउड हैं इसमें कुछ सेशन होते हैं 11:30 से 12:15 मतलब ज़्यादा देर के सेशन नहीं है इसमें ठीक है इसमें स्विमिंग डाइविंग चिल्ड्रन रनिंग कुछ भी अलाउड नहीं है 100 के अलाउड होगा और आपके जो यहाँ से कपड़े लेंगे वो घंटे के हिसाब से होंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा महंगे पड़ने वाले हैं अगर आप यहाँ से लेते हैं और लॉकर के 150 rupees हैं बाकी वैसे ज़्यादा बड़ा तो नहीं है ये वाटर पार्क
अब देख सकते हैं, बट अच्छा है, इंजॉयबल है, आप राइड ले सकते हैं यहाँ पे। सो ये सी फोर्स के बिल्कुल ठीक सामने है रेन डांस। बेसिकली ये ग्रुप विजिट के लिए काफी अच्छा है, आप ग्रुप के साथ आ सकते हैं यहाँ पे, बहुत सही वाले सॉन्ग चलते हैं और काफी सही वाला डांस होता है यहाँ पे, मतलब आप खूब मस्ती कर सकते हैं। अगर वाटर पार्क छोटा है तो ये जो रेन डांस है ये काफी बड़ी जगह कवर कर रहा है, आप आराम से भीग सकते हैं और आराम से एंजॉय कर सकते हैं। ट्राई करके देखा हमने, बाहर ट्राई करके देखा, कुछ भी नहीं घूम रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो बिल्कुल ज्यादा खतरनाक नहीं है, हम घूम रहे हैं, मशीन घूम रही है, हम थोड़ी घूम रहे हैं, मिरर इल्यूजन है, रेड लाइटिंग है, काफी डरावनी लग रही है क्योंकि बराबर में ही भूत बंगला है और भूतों की काफी डरावनी वॉइस आ रही है। जम वाले में चले जाना, लेकिन यहाँ लाइटिंग इतनी खतरनाक है तो मछली और भूतों की आवाज आ रही है पीछे से, क्योंकि बगल में ही हॉरर हाउस है भाई, सोच समझ के आना। तो ये सी हॉर्स है, मतलब एडवेंचर पार्क से एंट्री करेंगे तो वो सामने वहाँ पे टिकट होते हैं, आप वहाँ से एंट्री करके बोटिंग कर सकते हैं। वैसे पुरानी दिल्ली में बोटिंग का सिस्टम था, बट वहाँ का पानी काफ़ी गहरा है तो मुझे तो डर लगता है बोटिंग करने में। यहाँ का जो पानी है वो 2 या 3 फीट के करीब का है, तो यहाँ पर इतना डूबने का ख़तरा नहीं है, और यहाँ पर लोगों को लाइफ जैकेट पहना के बोटिंग कराई जाती है, ताकि बाय चांस अगर कोई स्विमिंग नहीं कर पाता है तो वो स्विमिंग कर ले। तो एकदम सी हॉर्स के सामने ये भूल भुलैया है, पेड़ों की भूल भुलैया, मतलब बड़ी अच्छी सी है, ठंडक देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं ये पेड़ हमें, तो बड़ा अच्छा मम्मी लग रहे हैं मुझे लगा कुछ है तो गाइस हमने एग्जिट कर लिया है, तो टोटल हमारा जो खर्चा आया है सिर्फ 500 का है पर पर्सन, तो मतलब मेरे को वाव वगैरह से अच्छा लगा सब कुछ, और मतलब वाव हो गया आपका ये स्प्लैश वाटर पार्क वगैरह हो गया, सारे के सारे जितने भी वाटर पार्क है उनसे काफ़ी अच्छा है, आप आइए ज़रूर यहाँ पे। और सबसे पास का जो मेट्रो स्टेशन पड़ेगा वो आपका रिठाला का पड़ेगा, रिठाला से आप ऑटो मत लेना, पैदल पैदल आ जाना, और अगर भाई आपके साथ ऐसी लड़की नहीं है जो पैदल नहीं चल सकती है कि आपका कोई फ्रेंड्स नहीं, तो फिर ऑटो ले लेना, 50 रुपये ले लो, लेकिन आप सीधा भी आ सकते हो पैदल पैदल, ज़्यादा दूर नहीं है, और प्लस यहाँ पे आके सीधा टिकट ले लेना, आप लेफ्ट में जाके टिकट मिलेगी आपको एंटर करते ही, और खाना मत लाना, और अगर खाना लाओगे भी गलती से भी अगर कोई ले आया तो गार्ड इतने अच्छे हैं कि वो अपने पास रखेंगे सुबह से शाम तक, और अच्छे से सेफ्टी से रखेंगे। मैं ले कर आ गया था गलती से, मैंने सुबह से रख रखा था और शाम को मैंने उनसे वापसी लिया है अभी, तो आइए आप यहाँ पे घूमने, मज़ा बहुत आया भाई सच में, थक गए हैं इतना मज़ा आया, बल्कि हमने वाटर पार्क तो लिया भी नहीं है, सिर्फ हमने राइड्स करी है और वो भी कंप्लीट नहीं है, मतलब अगर 20-25 राइड्स है तो उसमें से 3-4 राइड्स अभी बंद है, लेकिन हाँ इतनी ओपन है कि आप पूरे दिन करते रहोगे आप राइड्स, लेकिन आइए ज़रूर यहाँ पे, और जैसे ही और राइड्स ओपन होगी मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ उसके बारे में। ठीक है, बाय बाय, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करिए, वीडियो पसंद आई तो।